नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सिवलाइन चौक होने की समस्या से अब जनता को निजात मिल जाएगी। जो संस्थान है के सिवलाइन की सफाई के लिए आधुनिकता का उपकरण मुहैया हो गई है। मंगलवार को वाहनों पर लगे लाखों की लागत से आधुनिक उपकरणों को विधायक मुन्ना चौहान ने हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र में सिवर लाइन 70 के दशक में बिछाई गई थी, जो साल दर साल बढ़ती आबादी का भार नहीं झेल पा रही है, जिससे अक्सर सिवर लाइन चौक होकर गंदगी सड़कों और गलियों में उफनने लगती है। विधानसभा के चुनाव के दौरान भाजपा ने इस समस्या से निजात दिलाने का वादा किया था। मंगलवार को 60 लाख की लागत से तैयार जेटिंग मशीन, सेक्शन मशीन, सिवर लाइन डीसल्टरिंग मशीन और अन्य आधुनिक उपकरण लगे वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इनके उपकरणों से समय समय पर सिवर लाइन की सफाई होने पर अब जनता को सिवर चौक होने की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान विधायक ने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि जनता से चुनाव में किए गए वादे कोई भ्रांति नहीं है, वादे सच भी होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का जनता से किया गया वादा एक संकल्प होता है जिसे पूरा किया जाता है। कहा कि यह बात अब जनता भी समझने लगी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विकास नगर सरदार जसविंदर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुआउठा मौजूद रहे। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। चुनाव से पहले भी कहा था कि विकास नगर में जो सीवर लाइन की व्यवस्था है बहुत 50-52 साल पुरानी है। एक तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिमिनिश कर गई, इसलिए लगभग 5-6 करोड़ रुपए की लागत से जो यहाँ का मेन कन्वेंस लाइन थी उस पर जो है बड़े पाइप बिछाने का काम ऑलरेडी हो चुका है।